संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म होने जा रहा है, लेकिन नोटबंदी के चलते ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बात से ना सिर्फ देश की जनता दुखी है, बल्कि देश के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी काफी गुस्से में हैं। आज एक बार फिर लालकृष्ण आडवाणी ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, यदि शुक्रवार को लोकसभा नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा किए बिना अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई तो संसद हार जाएगी और हम सबकी बहुत बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि अगर वाजपेयी जी आज सदन में होते तो बहुत दुखी होते। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनका मन करता है कि वह इस्तीफा दे दे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही अक्सर शांत रहने वाले लालकृष्ण आडवाणी पिछले लगभग 10 दिन में कई बार इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि संसद में कोई कामकाज या चर्चा नहीं हो पा रही है। इससे पहले 7 दिसंबर को भी उन्होंने कहा था कि स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री सदन को नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि अगले दिन उन्होंने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात कर सफाई दी थी कि ये नाराजगी स्पीकर या संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट गलत है। तो संसद ना चलने से लालकृष्ण आडवाणी काफी चिंतित है और शायद यही वजह है कि बार बार उनका गुस्सा बाहर आ रहा है। पिछले दिनों भी लालकृष्ण आडवाणी ने सरकार और विपक्ष दोनों को निशाने पर लिया था और फटकार लगाई थी। देखते रहिए डीपी लाइव।